अपने पास एक टूल है जिसमें हम महिंद्रा का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ये नैनो वर्जन टूल का नाम है। ये मैं अभी टेबल से कनेक्ट करा हुआ हूँ, वहाँ पे इसकी सप्लाई दी है, और प्लस ये मेरे पास जो वायरिंग मैं खुद की बनाया हुआ हूँ, ये इस वायरिंग में मैं इसको कनेक्ट कराऊँ, ये यहाँ से ये वायरिंग है, यहाँ से इसमें मैं कनेक्ट कराऊँ। तो इसमें मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ मैं, जैसे कि आप 65,000 ये सब कि मतलब लगा के फिर महिंद्रा काम करते हैं स्पेशल टूल का, स्पेशल सॉफ्टवेयर का। तो कुछ भाई के पास क्या है, प्रॉपर मनी नहीं हो पाती, लैक ऑफ मनी रहती है, अर्निंग प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये सब डीपली नहीं जानना चाहता, और बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम विदाउट द हेल्प ऑफ गरुड़ा वी विल प्ले द सॉफ्टवेयर ऑफ एनी महिंद्रा व्हीकल। यू हैव टू फ्लैशिंग, यू हैव टू डाटा सेट आई डी एंड एनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्ले करके कैसे हम इसमें काम करते हैं। अपने पास ये डिवाइस लगा हुआ है, ये USB केबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये USB केबल मैंने ये यहाँ पर लगाई हुई है, USB केबल यहाँ से जाते हुए इसमें डिवाइस में यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम कैसे इसमें हम महिंद्रा सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ये यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स इसमें अलग से फोल्डर बना के मैं सेट करके रखा हुआ हूँ। इसमें मैं आपको सभी चला के दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ डेल्फी वाला। एक सेकंड M2DI वाला चला के दिखाता हूँ मैं। ये M2DI का है, ये स्कैनिंग इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं तो VCI कनेक्शन पास थ्रू डिवाइस कनेक्ट है अपना, और इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ और अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें आपको पूरे ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब कनेक्ट हो गया। विन नंबर ये सब अभी ECM लगा हुआ नहीं है तो ये ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि विन नंबर वगैरह इसमें वो ECM से ऑटोमेटिक उठा लेता है। कुल मिला के ये अपना एक सॉफ्टवेयर ये हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें iSmart का जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, डायग्नोस्टिक टूल है, इसमें मैं आपको डायग्नोस्टिक दिखा रहा हूँ। डायग्नोस्टिक भी हम इसमें आराम से इजीली कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी का महिंद्रा की आराम से इसमें आप वर्क कर सकते हैं। ये देखिए iSmart VCI कनेक्शन ये यहाँ पे हो गया स्टार्ट, अब ये आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ से कोई भी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये अपने पास BS6 का अपडेट है जिसमें XUV300 भी है, XUV700 भी है, प्लस आपकी बुलेरो नियो करके जो आई थी वो भी है, प्लस आपकी इसमें अल्फा भी है, ये अल्फा ये यहाँ पे है। तो इसमें आपको सभी गाड़ी है, ये डायग्नोस्टिक आप इसमें कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक में आपको इसमें कौन क्या क्या डायग्नोस्टिक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ओपन हो जाता है तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी खैर ECM तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन पास थ्रू लगा हुआ है, उसकी हेल्प से शायद ओपन हो जाए। स्कॉर्पियो में आपके जितने वर्जन हैं सारे वर्जन इसमें आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी मैं आपको इसमें कोई भी लोडिंग चल रहा है क्या है, महिंद्रा सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोसेसर में, लैपटॉप का थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी मैं आपसे यहाँ पे EX सेलेक्ट कर देता हूँ, तो EX अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग में दिखा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा होगा क्या है। इसमें प्रोसेसर ज़्यादा हाई चाहिए, SSD चाहिए इसमें, बट अपने पास ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई वो प्रोसेसर नहीं है, तो इस वजह से आपको नहीं दिखा रहा। बाकी मैं आपको ओपन करके इसमें दिखा दिया हूँ, यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट होम पे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे बैक हो सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दिया, इसमें ECM इमोबिलाइजर MBFM इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और SR फ्रेम, इसमें आप सभी आप इसमें आराम से रीड कर सकते हैं, कोड को रीड इरेज कब कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें दूसरा सॉफ्टवेयर एक ओपन करके दिखाता हूँ, क्लोज एंड प्रोसेस, दूसरा सॉफ्टवेयर भी इसमें आपको मैं वो करके दिखाता हूँ, इसका चला के दिखाता हूँ, अभी वो क्लोज हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको iSecure दिखा रहा है, iSecure जब ओपन नहीं होगा तब तक ये अपना क्लोज नहीं होगा, ये विंडो क्लोज होगी उसके बाद iSecure होगा, तो इसको क्लोज होने में टाइम लगेगा। मैं आपको iFlash ओपन करके, iSecure ही ओपन हो गया, ट्राई कर लेते हैं, हो जाए तो ज़्यादा बेटर। यहाँ से इसका ये एडिट नहीं हो रहा, ओके इसमें ओके काइंडली चेक, ये FCI इसमें लगा हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डिवाइस एंटास, डिवाइस एंटास, एंटास,
अभी ये ओपन नहीं हो रहा, ये जब तक क्लोज नहीं होगा जब तक ओपन नहीं होगा। मैं आपको बताया ना, प्रोसेसर थोड़ा स्लो है लैपटॉप का, इस वजह से इसमें ओपन नहीं हो रहा है। मैं इसमें आपको आई फ्लैश ओपन करके दिखा देता हूँ। आई फ्लैश इसमें कर सकते हैं आप। आई फ्लैश में यहाँ पे ओपन किया और इसमें आई फ्लैश का यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन। मेरा क्या है, लैपटॉप में कीबोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए मैं वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं आपको इसको ओपन कर दिया हूँ, इसको कंट्रोल प्लस F2 इसको क्लिक करो, फंक्शन कंट्रोल प्लस F2 हो गया ओपन। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा इसको। इसके ओपन करने की क्या वो है, ये यहाँ पे अबाउट लिखा रहता है, वो अबाउट हट जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये भी आपका ओपन हो जाएगा। स्टार्ट कर दिया हूँ, अब ये देखिए इसमें आपके यहाँ पे फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर वर्जन इसका, ये सब इसमें आपको शो कर दिया है। अभी अपने पास कोई गाड़ी नहीं है, इसमें नहीं, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको फिर दूसरा वाला ओपन करके दिखाऊं, 1755 का फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर, उसका ओपन करेंगे। इसको भी ओपन करने के लिए अपने पास कंट्रोल प्लस F2 का ही इसमें हमें F6 कनेक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर इसका VXDI इसका ये इसमें स्टार्ट कर दिया, तो ये भी अपने पास सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अभी ये ओपन होगा, ओपन होने में थोड़ा समय लेगा। FC कनेक्शन ओके, यहाँ से आपकी पूरी आप फ्लैशिंग 1755 जो जो गाड़ी में आते हैं 1755 वो आप आराम से यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये ओपन होने के बाद इसमें आपको एक लास्ट जो आता है M2DI में, यहाँ से करता हूँ M2DI में आप आराम से यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, यहाँ से फाइल ब्राउज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप आराम से कर सकते हैं।